कहते हैं कलम की स्याही खत्म हो जाए तो उसे दोबारा भरा जा सकता है, लेकिन अगर उस कलम को पकड़कर लिखने वाला ही खत्म हो जाए तो स्याही से भरी कलम भी किसी काम की नहीं रहती। यही बात मशहूर शायर मुनव्वर राना के लिए भी लागू होती है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। शायर ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अपने कमाल के अंदाज और अपनी खूबसूरत शायरी के दम पर लोगों को दीवाना बनाने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने खुद दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लखनऊ स्थित संजय गांधी परस्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका पिछले कुछ वक्त से इलाज चल रहा था। मुनव्वर राणा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अपना ये अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था। मुनव्वर राणा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें गले का कैंसर था। उनके बेटे सुमैया ने बताया कि राणा को उनकी वसीयत के मुताबिक लखनऊ में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। राणा के परिवार में उनकी पत्नी, 5 बेटियां और 1 बेटा है, जिनका इस समय रो रो कर बुरा हाल है। राणा के बेटे तबरेज राणा ने बताया कि बीमारी की वजह से वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें पहले लखनऊ के मेदांता और फिर SGPGI में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली और फिर एक महान शायर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। उन्हें उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। 2014 में कविता शहदाबा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी शायरी बेहद सरल शब्दों पर आधारित हुआ करती थी, जिसने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इतना ही नहीं, उन्हें कई सम्मानों और पुरस्कारों से भी नवाजा गया था, जिनमें अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर तकी मीर पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार समेत अन्य पुरस्कार शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शायरों में शुमार किए जाने वाले मुनव्वर राणा की नज्म माँ का उर्दू साहित्य जगत में एक अलग ही स्थान है। उर्दू शायरी की मशहूर शख्सियत रहे राणा की शायरी को पसंद करने वाले लोग पूरी दुनिया भर में हैं। मंचों पर मुनव्वर राणा की उपस्थिति बेहद खास होती थी। मंचीय आयोजनों में माँ पर उनकी शायरी के बिना कोई भी कवि सम्मेलन और मुशायरा मुकम्मल नहीं होता था। वहीं उनके रचना कर्म में बेटियों और मुजाहिर की पीड़ा जैसे विषयों ने लोगों को बेहद प्रभावित किया, इसीलिए आज उनके अलविदा कह जाने पर हर कोई मायूस है और साहित्य जगत में भी शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।